ये नहीं चढ़ने, ये वीडियो डिलीट कर दिए क्यों? ना कहूँ पूरे घर का टूर, तो आज देखिए आप मेरे साथ मेरे पूरे घर का टूर, और घर कैसा है, कितने रूम है, कहाँ हम सोते हैं, कहाँ रहते हैं, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, कैसा खाना पीना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बताना है किसमें ये बैक साइड वाली दीवार है, ठीक है? आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे कौन, यहाँ से डोर ओपन करते हैं। चलो जी डोर ओपन, ये मेन डोर कबाई से व्यू देख रहे हो। किसने लगा के दिए आपको, किसने लगाए हैं? बड़े भाई का रूम, ये उनका एसी लगा हुआ है, ठीक है? ठंडे ठंडे रूम में सुकून से सोने। पूरा घर का टूर देख लिया है, तो मेरा ख्याल अब यहाँ पे हमें इस ब्लॉग एंड करना चाहिए। की मसला ये नहीं चढ़ने, ये वीडियो डिलीट कर दिए क्यों? ये सही नहीं, तू बेचा सही नहीं काम, तू सही हो गया फिर बनाएंगे, हूँ नहीं छोड़नी। आज मैं आपको देने लगा हूँ पूरे घर का टूर, तो आज देखिए आप मेरे साथ मेरे पूरे घर का टूर, और घर कैसा है, कितने रूम है, कहाँ हम सोते हैं, कहाँ रहते हैं, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, कैसा खाना पीना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरी वीडियो वॉच करें ताकि आपको पूरा पता चले कि मेरा घर कैसा है। चलो जी चलते हैं, दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये देखें आप, ये छोटा सा मेरा क्लिनिक, ठीक है? यहाँ मैं बैठता हूँ, और ये मेरी वो लगी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने कोर्स वगैरह किए हुए हैं। और ये सारा यार गाइस पेंट शेंट खराब हो गया, मैं सोच रहा हूँ पेंट इसको ना करवाने का, तो मैं कुछ दिन तक इसका पेंट करवाता हूँ। मुझे बताना है कि इसमें ये बैक साइड वाली दीवार है, ठीक है? आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे कौन सा पेंट करवाऊँ, कौन सा अच्छा रहेगा। और ये बैक साइड वाली, ये मेन डोर, ये विंडो लगी हुई है, ये बाहर का, बाहर का व्यू आपको दिखाऊंगा। और ये देखें गाइस सारा पेंट यहाँ से भी खराब हुआ पड़ा है। यहाँ पे कौन सा कराऊँ, यहाँ पे कौन सा करवाऊँ, यहाँ पे कौन सा करवाऊँ, ये मैंने डिज़ाइन वगैरह बनवाया था, ठीक है, COVID-19 में लगाया था, और यहाँ पे कौन सा लगाऊँ, ठीक है, ये वाईफाई लगी हुई है, या मैं सब पे एक ही करवा लूँ, ये तो कुछ बेहतर है सीलिंग का। और ये सोफे वगैरह पड़े हुए हैं, ये कुछ मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है, ये साथ अटैच वाशरूम है, और ये रैक वगैरह, मतलब ये कुछ रखने के लिए कीबोर्ड वगैरह, और ये कुछ मेरा वो सन ब्लॉक वगैरह, ये टावल, और नीचे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बीपी ब्रेटस पड़ा हुआ है। तो चलते हैं, मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ बाहर से लुक कैसी करती, यहाँ से डोर ओपन करते हैं। चलो जी डोर ओपन, ये मेन डोर का बाहर से व्यू, और आगे चल के मैं दिखाता हूँ कि कैसे लगता है बाहर से। ये हमारी शॉप है, यहाँ पे वो ताला शाला लगा हुआ है, ठीक है, मेन बाहर से हमारे घर का व्यू है। और पहले हमने वाईफाई लगाई हुई थी, वो तार वाली नहीं, सिग्नल वाली, सिग्नल, अरे कहना क्या चाहते हो, सिग्नल खींचती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बाद हमने फिर तार वाली लगवा ली। पहले हमारे घर में वो, हमारे गांव में वो नहीं था तार वाला, तो उसके बाद हमने तार वाली लगा ली, ठीक है। तो ये हमारा घर बाहर से आपको नज़र आ रहा है, ये लुक हमारे घर की बाहर से है। तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ अंदर से क्या। यहाँ से हवा जाती है इन तीन चार पाई पे, वो चौधरी साहब बैठे हुए हैं, वकास साहब, वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। यार इसका बड़ा मसला है, ये ना चला नहीं जाता, इससे इसका एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, ये देखें इसके, ये देखें ये ऐसे है, ये सीधे भी नहीं होते, मतलब खिंचाव पड़ा हुआ है सारा यहाँ पर भी, और मोबाइल यूज़ करते बहुत स्लोली स्लोली, वो मुर्गी खा रही है अपना खाना। ओहो क्या हो गया, ये कुछ फालतू सामान वगैरह पड़ा है, ये UPS वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया क्लिनिक, ये व्यू है, ठीक है, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। ये आ गया मेन व्यू, लो जी
बेटा क्या कर रहे हो आप, क्या देख रहे हो बताओ मुझे भी। ये देखो ये लगी हुई है, कार्टून देख रहे हो। किसने लगा के दिए आपको, किसने लगाए हैं, बाबू ने लगा के दिए हैं। वाओ क्या बात है, इतने प्यारे कार्टून, मैं भी देख लूं साथ आपके। मैं किधर लेटूं, किधर बैठूं मैं, हैं बेटा मैं किधर बैठूं, मैंने भी देखने कार्टून, मुझे भी दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। लो जी वो आ गया हमारा डाइनिंग टेबल वगैरह, ये स्टैंड, ये एलसीडी, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये यार मेरा भी रूम हमने तैयार करना है, ये सारा सामान हमने भाई फेंकना नहीं है। आप लोगों ने क्या सोचा फेंकना है, फेंकना नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक गाइस, ये हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना है, ये सारा सामान यहाँ से उठा के हमने दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। यहाँ सीलिंग वगैरह करवानी है और सारा ये मैंने अपने लिए सारा तैयार करवाना है। ये कुछ दिनों के अंदर आपने बताना है कि किस तरह का डिज़ाइन करवाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया जी हमारे बड़े भाई का रूम, ये उनका एसी लगा हुआ है, ठीक है, ठंडे ठंडे रूम में सुकून से सोते हैं। ये इनका हमने डिज़ाइन करवाया था, ये सीलिंग का डिज़ाइन था पिंक कलर का, और ये इस तरह हमने ये भी इस तरह का करवाया क्योंकि इनके फर्नीचर के साथ थोड़ा मैच हो जाए। एक और रूम है, ठीक है, किचन में वो काम शाम कर रहे हैं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, और ये मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ आपका। ये चल 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 चल, लो जी सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से, क्योंकि हमें यार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि लकड़ियाँ जलानी होती हैं, यहाँ पे गैस वगैरह नहीं होती। और ये भी एक हमने छोटा सा वाशरूम बनाया हुआ है, ये हमारा है बरामदा। चल झूठा, ठीक है, यहाँ पे हमने वो चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि मैंने 7-8 मुर्गियाँ हैं, 6-7 या 5-6 हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कितनी हैं, ठीक है। वो हमारी सोलर प्लेट्स हैं, वो जो हमने दिखाई थी आपको, ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये हमने लगाया हुआ है ग्लास फैन वगैरह, मतलब के बाहर से अंदर हवा के लिए, ठीक है। ये कुछ व्यू आपको नज़र आ रहा है, और मुझे फाइनली यार सांस चढ़ गया, ब्लॉग बनाते बनाते मतलब थोड़ी सी ऊपर आया हूँ, मेरे सांस चढ़ गया, पता नहीं कभी काम नहीं किया इसलिए ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये आपको सारा सीन दिखा रहा हूँ, वो वहाँ पे आपको जैसे पता है कि मस्जिद थी बहुत प्यारी खूबसूरत। यार ये छोटा सा हमने किचन बनाया था, लेकिन ये हमने काम शाम नहीं, यहाँ पे आग शाग नहीं जलाते, बस बनाया कुछ इसलिए था कि ऊपर कोई फैमिली रहेगी तो फिर वो अपना सर्किट चला लेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे फालतू चीज़ें वगैरह ही जो पड़ी हुई हैं। और वो देखें छोटी सोने ने वो लगाई हुई है शेड के लिए, मतलब बरामदा टाइप। और वो देखें गाइस, वो हमारे हमसाओं का एक घर है, न्यू बने, अभी इन्होंने अभी रिहाइश वगैरह नहीं की यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने पूरा घर का टूर देख लिया है, तो मेरा ख्याल अब यहाँ पे हमें इस ब्लॉग एंड करना चाहिए।